बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड इन्फो चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिबा इनो कॉइन के बारे में। शिबा इनो कॉइन जो है वो बर्न होने जा रहा है, काफ़ी तादाद के अंदर बर्निंग हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ XRP हो गया, और उसके अलावा बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ठीक है, इन कॉइन्स के जो लो एंड हाई है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ इसकी जो हमें रेजिस्टेंस मिल रही है और सपोर्ट्स मिल रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए इनके अंदर, और अगर ट्रेड लें तो हमें इनका जो है वो लॉस क्या रखना चाहिए, और इसका जो है वो हमें जो है वो किस जगह पे प्रॉफिट गेन करके हमें अपने जो है वो ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं जो है वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और साथ साथ बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरीके से आप तक पहुंच सके और आप उनसे जो है फ़ायदा उठा सके। आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है वो इस वीडियो को जो है पूरा देखा करें, ताकि हम आपके लिए एजुकेशन के जो है पूरी करने के लिए लेके आते हैं वीडियो, और आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं सबसे पहले आपको जो है वो शिबा इनो कॉइन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा माइनर सा, और उसके बाद जो है BTC, XRP और एथेरियम के जो लो एंड हाई पॉइंट्स है, यानी कि जहां पर आपने आने वाला वक्त, यानी कि प्राइस प्रेडिक्शन करूँगा कि इसका जो आने वाले वक्त के अंदर अगर ये अप जाता है तो ये इतनी हाइप बना सकता है, और अगर ये डाउन की तरफ जाते हैं तो ये इतनी जो है वो अपनी लो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शिबा इनो कॉइन का बताता चलूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर के ऊपर शिबा इनो कॉइन आ गया है, यानी कि ये 11 नंबर पे था, 13 पे था, 14 पे था, 15 पे आ चुका है, यानी कि ये आस्ता आस्ता जो है वो अपने जो है वो डाउन करता जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके जो मार्केट, यानी कि सर्कुलर सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिबा इनो कॉइन की हमें जो है सप्लाई नज़र आ रही है। लेकिन वॉल्यूम आप चेक करें तो अच्छा खासा है, 1 आवर चेक करें तो -1.34% है, और अगर 24 आवर देखें तो -5.84%, और अगर 7 डे चार्ट में देखें तो ये 13.96% जो हमें इस वक्त रेड के अंदर दिखाई दे रहा है। तकरीबन पूरी मार्केट ही जो है वो हमें एक किस्म की जो है वो रेड के अंदर ही दिखाई दे रही है, कुछ ज़्यादा खास इसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शिबा इनो कॉइन जो है 15 नंबर पे आ चुका है, और उसके बाद मैं आपको शिबा इनो कॉइन का जो इस वक्त जो है वो लो दिखाता चलूँ तो 0.00002321 है, और हाई बताऊँ तो ये इस वक्त 0.00002523 है 24 आवर के अंदर। लेकिन इस वक्त जो शिबा इनो कॉइन है वो 0.00002234 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। और अगर इसका ओवरव्यू चार्ट हम अगर देखें, 1 डे चार्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका 1 डे चार्ट चल रहा है तकरीबन, यानी कि यहाँ से आपसे ये डाउन की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया है शिबा इनो कॉइन। तो ये तो था शिबा इनो कॉइन का तकरीबन जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू। तो साथ ही साथ मैं अगर एक आपको वेबसाइट जो है वो विज़िट करवाता चलूँ, तो आप देखते हैं शिबेरियम डेव सेज टेस्ट नेट क्लोज और टू लॉन्च विल शिबा इनो रैली, यानी कि जो शिबा इनो शिबेरियम जो इन्होंने लॉन्च करनी थी, उनके जो है वो टेस्ट वगैरह टेस्ट नेट चल रहा था, यानी कि उसको वो टेस्ट कर रहे थे कि भाई क्या ये जो है वो आगे कामयाब होगी अगर इसका जो है वो इस पैटर्न के साथ इसको जो है वो चलाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब उन्होंने जो है वो क्लोज़ कर दिया है, यानी कि अब जो है वो उनका आ चुका है कि भाई जी बिल्कुल जो है वो अब ये मुकम्मल हो चुकी है शिबेरियम, और ये अब जो है वो लॉन्च होने वाली है। जब शिबेरियम लॉन्च होगी तो आप सबको पता है कि ये एक किस्म का हाइप लेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जो है वो एक ब्लॉकचेन है शिबेरियम। तो जब कोई भी ब्लॉकचेन आती है तो आप खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसके ऊपर जो है वो कुछ टोकन्स जो है वो लॉन्च होते हैं। जब इसकी शिबेरियम आ गई तो ये फिर मीम कॉइन्स के अंदर शामिल नहीं होगा, यानी कि इसने अपना जो रोड मैप है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, और इसके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखें आप काफ़ी जगह पे एज ए पेमेंट मेथड इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, शिबेरियम आ रही है, मेटावर्स आ रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और आपको जो है वो मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटावर्स लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मेटावर्स के अंदर भी ये एंट्री लेगा, इन्होंने प्लान कर रहे हैं 2022 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फिर ये मेरे देखने में जो है वो
शिबा इनू कॉइन मीम कॉइन नहीं बल्कि एक असल कॉइन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसकी जो है एक बड़ी ख़बर मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिबा शिबेरियम कमिंग टू लॉन्च इन कमिंग मंथ, यानी कि कुछ मंथ के अंदर जो है वो अपकमिंग के अंदर उन्होंने डाल दिए, यानी कि अब आ जाएगी शिबेरियम। तो हो सकता है 2022 के मिड के अंदर या थोड़ा सा लास्ट के अंदर जो है वो शिबा इनू कॉइन जो है वो बढ़े, और हो सकता है ये 0.01 डॉलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और हमारे जैसे होल्डर्स, जो मैं भी होल्डर हूँ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जो है वो ह्यूज प्रॉफिट होगा, और लोग जो है वो इसको पसंद करते हैं, इससे और पसंद करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हाई पकड़ेगा, और हाई पकड़ेगा तो हमें भी रिटर्न काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि हम भी इसको एक एक डेढ़ डेढ़ साल से जो है वो तकरीबन इसको होल्ड किए हुए हैं। तो आप दोस्तों से भी यह है कि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक 2025 तक करें, लेकिन अगर आपको इसमें से निकलने की जल्दी है तो जब ये शिबेरियम लॉन्च हो और ये अपना जो है वो बढ़ाए तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे तो मैंने आपको शिबा के बारे में जो है वो थोड़ी सी जो माइनर सी एक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कुछ बर्निंग भी है, कुछ लोग कह रहे हैं 1.11 ट्रिलियन बर्न हो रहे हैं, कोई कह रहा है बिलियन बर्न हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी तक ठोस जो है वो सबूत जो है वो मेरे सामने नहीं आया, मैंने तो ढूंढा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो हाँ, लेकिन बिलियन ट्रिलियन के अंदर इनके जो है वो बर्निंग चल तो रही है, लेकिन जो है वो जब होगी तो फिर ही हमें जो है वो पता सामने ही इसको जब एनालाइज करने जा रहा हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 411.89.56 के ऊपर ट्रेड कर, यानी कि 41,195.85 के ऊपर जो है वो ये ट्रेड चल रही है इसके, यानी कि BTC की USDT के अंदर। अगर मैं एनालाइज़ करूं तो अगर पीछे इसके रिवर्स जो है वो ट्रेंड्स वगैरह देखे जाएं और इनके ऑल टाइम हाई या लो वगैरह देखे जाएं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस मेरे देखने में जो है फर्स्ट जो हमारा जो होगा, यानी कि हमने इसको जो है वो एज अ सपोर्ट के तौर पर काम लेंगे तो हम 37,000 से 38,000 जो है वो डॉलर लेंगे। अगर उसके बाद अगर ये इसको भी तोड़ता है तो ये तकरीबन 36,000 डॉलर पर जाता है, ठीक है। अगर ये 36,000 डॉलर को तोड़ता है तो यहाँ 33,000 डॉलर के ऊपर भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 पे भी हमने जगह देखी है, 36 पे भी देखी है, और 37 के ऊपर भी एक सपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो हमने देखी है। तो इस वक्त जो मेरे देखने के मुताबिक यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं कि ये आपकी तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये आस्ता आस्ता अब जो है वो क्योंकि 6-7 मंथ आ रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो कॉइन्स जो है ऑल्ट कॉइन्स और दूसरे कॉइन्स जो है वो आपकी तरफ जाते हैं। आप इसका देखें तो मेरे देखने के अंदर जो है वो ये 48,000 रुपये है, और उसके अलावा जो है वो एक आप जो मेरे देखने में जो जाती है जो आपकी तरफ जाएगी वो तकरीबन होगी 51,000 डॉलर, यानी कि 51 के ऊपर जो है वो इसका जो है वो मैं आपको दिखाता चलूँ 51 यहाँ पर तकरीबन जो है वो 51,000 डॉलर के ऊपर जो है वो जाके इसने जो है वो अपना एक रेजिस्टेंस यानी कि लो बनाना है डाउन की तरफ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से भी जो है वो एक बार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और अपना इसने फिर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई और नीचे आई। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, इधर भी, और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने काफ़ी जो है वो नीचे डाउन की तरफ रेजिस्टेंस बनाई है और फिर आप डाउन आया। अब ये ऐसे करता करता जो आपकी तरफ जाएगा फिर ही ये अपना जो वो हाई बनाएगा, और 2022 के अंदर भी इसको अपना एक हाई बनाना चाहिए, क्योंकि देखें काफ़ी मुल्क ने जो काफ़ी मुल्क हैं जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है, और लोगों के अंदर जो है वो एक शोर भी पैदा हुआ है कि भी वो इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरे देखने के अंदर अब इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ये होगी, और अगला जो कदम होगा BTC का वो तकरीबन जो है वो हमें ये नज़र आता होगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, और आप दोस्त इसी तरीके से जो है वो हमारी जो है वो हौसला अफजाई कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसे ही जो है स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस और BTC के एनालाइज वगैरह जानने हैं तो आप जो है वो ज़रूर जो है वो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान हमज़ा, अल्लाह हाफिज़।